ये सुअर जा ही रहा था तो इसका बाल बार बार नीचे गिर जा रहा था। बहुत परेशान हो गया था। फिर उसको एक मधुमक्खी का छत्ता मिलता है। थोड़ी शहद अपने बाल में लगा लेता है। जा ही रहा था तभी उसके पीछे मधुमक्खी आ जाते हैं। पानी में कूदता है लेकिन नहीं डूबता है तो मधुमक्खी उसको काट लेते हैं। फिर अपने बालों को देखता है तो बाल एकदम से खड़े हो गए। उसके बाद पेड़ के टहनियों से अपने बाल को सही करने लगा। बाल पेड़ में फंस जाता है तो फिर वहाँ से दूसरे जगह चला जाता है लेकिन सिर का सारा बाल गिर जाता है। लेकिन अभी पूंछ का बाल बचा था वो भी जल जाता है। फिर पेड़ में टकरा जाता है तो फिर से मधुमक्खी का छत्ता उसके सर में अटक जाता है। उसके पूंछ के आग से पूरे जंगल में आग लग जाता है लेकिन सुअर बच जाता है।